डियर स्टूडेंट्स, सबको जय शो। हम घर में बैठकर क्लास अटेंड करेंगे क्योंकि कोविड की समय है। हम प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम दूसरा पाठ को अध्ययन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है सुसमाचार की घोषणा कलीसिया का सर्वप्रथम जिम्मेदारी है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 अनिवाक्य 14 से आप लोग पुस्तकों में देख लीजिएगा, स्क्रीन में थोड़ा मिलेगा। यदि उन्होंने उसके विषय में कभी सुना नहीं तो उसमें विश्वास कैसे कर सकते हैं? यदि कोई प्रचारक ना हो तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं? यूहन बपतिस्ता के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा मसीह खुद ही सुसमाचार की घोषणा की। मरकुस के सुसमाचार में हम लोग इस तथ्य को देखता है, अध्याय 1 अनिवाक्य 14 और 15 में, ईश्वर का राज निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। ये प्रभु ईसा मसीह साक्षात अपने लोगों के सामने सुसमाचार फैलाते हुए हम लोग देखता है। ईसा ने अपने सार्वजनिक जीवन काल में ही शिष्यों को स्वर्ग राज्य की घोषणा करने के लिए भेजा है। स्वर्ग राज्य की घोषणा करने के लिए अपने शिष्यों को भेजता है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 अनिवाक्य 7 और 8 में देखता है, ईसा ने उन्हें मुख्य रूप से यह घोषणा करने को कहा कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मेरे मेमनों को चराओ कहकर प्रभु येसु ने पेत्रुस को कलीसिया की मुख्य चरवाहा नियुक्त किया है। ईसा मसीह संत पेत्रुस को नियुक्त करता है। पेंतकुस्ता के दिन पवित्र आत्मा से शक्ति पाकर शिष्यों ने सार्वजनिक रूप से सुसमाचार की घोषणा की और आदिम कलीसिया का गठन किया है। संसार के कोने कोने तक जाकर सुसमाचार सुनाने के प्रभु का आदेश लेकर प्रेरितगण दुनिया के भिन्न स्थानों पर गए। वे जहां भी पहुंचे वहां उन्होंने सुसमाचार की घोषणा की। प्रभु ईसा मसीह के 12 शिष्यों में प्रेरित संत थॉमस ने भारत में सुसमाचार की घोषणा की। यहाँ कहीं पर भी कलीसिया की गठन हुआ, सुसमाचार की घोषणा के फल स्वरूप से ही हुआ है। कलीसिया अपना यह जिम्मेदारी दो तरीके से निभाते हैं। पहला है, सुसमाचार की घोषणा के जरिए कलीसिया के सदस्यों को शक्ति प्रदान करना, और दूसरा है, जो सुसमाचार कभी सुना नहीं उन्हें सुनाना। सुसमाचार का विषय हमेशा स्वर्ग राज्य है। संत पौलुस का रोमियो के पत्र अध्याय 14 अनिवाक्य 17 में कहता है, ईश्वर का राज खाने पीने का नहीं बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। क्रिस्तीय जीवन के द्वारा दिए जाने वाले साक्ष्य भी सुसमाचार की घोषणा में महत्वपूर्ण तरीका है। दूसरों की भलाई के लिए अपना तन, मन और धन बांटने के लिए तैयार होने से हम स्वर्ग राज्य की साक्षी बनते हैं। मदर तेरेसे के बारे में हम जानते हैं, भारत में सुसमाचार की साक्षी बनते हुए उन्होंने एक महान संत बन गई। केरल के धन्य फादर कुंजचन भी एक महान मिशनरी के कार्य करते हुए जीवन बिताया। उसके मृत्यु के बाद भी लोग उनसे अधिक से अधिक प्रेरणा ले रहा है। हम एक क्रिस्तीय होने के नाते हमारा भी सफलता सुसमाचार बांटने तथा अपना जीवन में साक्षी देने में है। प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग ईश्वर की सुसमाचार को अपना हृदय में रखने के लिए और उसको दूसरों को बांटने के लिए भी
प्रयास करें, प्रभु हम सबों को अनुग्रह प्रदान करें। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पार्ट 3 को अध्ययन करेंगे। इस पार्ट 3 का शीर्षक है आदिम कलीसिया का प्रेरितिक उत्साह। पेंतकुस्ता के दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर संत पेत्रुस ने दूसरे शिष्यों के साथ मिलकर एक घोषणा की कि ईसा ही मुक्तिदाता एवं प्रभु है। दो चीज को संत पेत्रुस ने धैर्य के साथ घोषित किया, ईसा ही मुक्तिदाता एवं प्रभु है। प्रेरित चरित्र में अध्याय 2 अनिवाक्य 27 से 29 तक के वचन में हम लोग देखते हैं, उनका भाषण सुनकर लोगों ने उनसे पूछा, भाइयों हमें क्या करना चाहिए? पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें, इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके तथा आपकी संतानों के लिए है और उन सबों के लिए है जो अभी दूर हैं और जिन्हें हमारे प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। आदिम कलीसिया के सदस्य ईश्वर का वचन सुनने के लिए सदा तत्पर रहते थे। प्रेरितों ने जो पवित्र आत्मा के प्रकाश में मसीही रहस्यों की गहराई तक पहुंच चुके थे, अपने अनुभव एवं विश्वास की घोषणा की, जो सुसमाचार की प्रभाव से मन परिवर्तन हुए थे, वे सब एक समूह बन गए थे। वह समूह का शक्ति केंद्र पवित्र बलिदान में भाग लेने में था। वह समूह समय समय पर प्रार्थना में लीन रहते थे। क्रिस्तीय विश्वास को अपनाने के कारण जब उन्हें अत्याचार सहना पड़ा तथा विश्वास के प्रति दुख तकलीफें झेलनी पड़ी, तब प्रार्थना ही उन्हें सांत्वना और शक्ति प्रदान की थी। आदिम कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति सुसमाचार का प्रचारक बन गया था। प्रेरित चरित्र में अध्याय 2 अनिवाक्य 47 में हम लोग देखते हैं, उनका जीवन शैली ही सुसमाचार की घोषणा थी। सुसमाचार का संदेश उनके विचारों, मनोभावों एवं जीवन की शैली में भर जाने से उनके मानवीय रिश्ते प्रेममय बन गए। उसी वजह से विश्वासियों की संख्या बढ़ती गई। विश्वासियों का समूह एक हृदय और एक प्राण था। हम प्रार्थना करते हैं, हमारा मिशनरी दायित्व को हम समझने की कोशिश करते हैं, ईश्वर का सुसमाचार हमारा जीवन में स्वीकार करने की कोशिश करते हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त करने की आग्रह करते हैं। हमारा जिम्मेदारी है हम दूसरों को भी जो गैर ईसाई है उनको भी ईश्वर का सुसमाचार का खुशी बांटना है। प्रभु हम सबों के लिए सक्षम बनाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आंग बंद करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।